देवा श्री गणेशा का नाम स्मरण करते हुए बिंबो धमाका सीजन 4 के दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं एक नृत्य से, जिसे पेश करने जा रहे हैं सुरेश आहूजा, विदिशा आहूजा, डॉक्टर वृंदा पाटिल, डॉक्टर प्रिया शर्मा, एडवोकेट नीना शेट्टी, दर्शना चौहान, तृप्ति नाखरे और ज्योति अरोड़ा। ज्योति के बारे में क्या कहने, सुरेश का तो हमेशा कहना रहता है कि ज्योति बन गई है ज्वाला, सारे ग्रुप्स पे धड़ाधड़ जो मैसेजेस डालती है, आग लगा देती है, आग लगा देती है, आग लगा देती है। आते हैं दूसरे दिन की शुरुआत में और हमारे पांडिचेरी के पार्टिसिपेंट हैं प्रबोध जी दोषी। बड़े ही उम्दा किस्म के इंसान हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, उनकी पूरी फैमिली प्रतिबिंब का लाइफ एंड ब्रेथ कोर्स कर चुकी है और प्रबोध जी गुजराती में उनकी स्वयं रचित कविता सुनाने जा रहे हैं। प्रबोध जोशी के बाद जो पेशकश होने जा रही है वो दोनों डेंटिस्ट हैं,
वृंदा और प्रिया, और क्या डांस चुना है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये डॉक्टर लोग इतना इंटेंस पढ़ाई करने के बाद अपने आप को खो देने के लिए ऐसे ऐसे गाने क्यों चुनते हैं। क्या गाना चुना है? दम मारो दम। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, दोनों कंपटीशन में है, कौन जीनत है। सुनील वर्मा जी का क्या कहना, बहुत ही मुलायम आवाज़ है, आप सुनेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। कह रहे हैं सामने ये कौन आया, पता नहीं पृथ्वी की बात कर रहे हैं या स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं, उनके सामने कौन आया, भगवान आया कि कोई परी आई, सुनील जी से ही जान लेते हैं। आभार दर्शन, मिली है पहचान खुद की, दौलत सही जीवन की पाई आपके सहारे, आप है तो गिव्स ऑफ मून में रोशनी है, राही को राबर मिला आपके सहारे, शिला लेख की धूल पोछ कर आईना में जीवन दर्शन करवाया आपने, विकट सांसारिक प्रहारों के सामने जूझने की हिम्मत दिलाई आपने, सच्चे श्वास की प्यास अमी वर्षा से छिपाई, नई सोच नई दृष्टि सृष्टि बदलने लगी आपके सहारे, जन समुद्र में आई सुनामी के सामने अविरत वाक प्रवाह में डूबे हम, पापा पगली को अंगुली थाम कर विश्वास का अविचल मेरु रचाया आपने, जीवन के बिंब को सच्चे प्रतिबिंब की झांकी करवाई, अष्ट सिद्धि और सांसों का समन्वय जीवन उत्कर्ष का राह दिखाया आपने, सृष्टि सब कुछ नियमों के अधीन है अपने कर्मों की धूल साफ करना सिखाया आपने, आधा खाली गिलास भरा आधा दिखने लगा ओंकार की एक झलक दिखाई आपने, हे ब्रह्मज्ञानी मानव के रूप में गुरु पद्म संभव प्रवीणता के उच्च शिखरों के शिरोमणि, मुख जीवंत बुद्ध को मेरे कृतज्ञता पूर्वक के वंदन। Dang
हे हे हु रा 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 हे हे हु सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी अरे हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल रहना है यहाँ तो दोनों है जवां तो भला दूर कैसे रहेंगे माना वो हसी है तो हम भी कम नहीं है वो मगरूर कैसे रहेंगे रहना है यहाँ तो दोनों है जवां तो भला दूर कैसे रहेंगे माना वो हसी है तो हम भी कम नहीं है वो मगरूर कैसे रहेंगे ला 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 सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी सुन लो ये कहानी हसीना एक अनजानी किसी दिन मेहरबान होगी आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी सुन लो ये कहानी हसीना एक अनजानी किसी दिन मेहरबान होगी जु 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 सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी अरे हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल पा 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 कोरी 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 रे 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 ना 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 पा 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 pa 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 सामने ये कौन आया फिर से आ रहे हैं लेजली लाल दिल्ली के बंदे आपको पता ही है और दिल्ली वाले तो कहानी सुनाने में माहिर होते हैं स्पिनिंग अ यान कम्स नेचुरली टू दिल्ली वालास एंड हियर इज अ यान which Leslie is going to spin for us. But don't take it as a yarn. Leslie is pretty serious about his storytelling. Let's hear what he has to say. Bhushan ek kamal ka banda hai. 35 saalon se Tripti ka husband reh chuka hai aur abhi bhi wo pooch raha hai, keh dun tumhe ya chup rahun. Abhi tak usko samajh mein nahi aaya ki biwi ke samne chup rehna hi sabse दिमाग की चीज होती है तो शायद इस गाने के बाद उसके दिमाग की घंटी बज जाए
और वो चुप रहना सीख ले। फिर आ रही हैं हमारी अनीता जैन जी, वो भी कहानी लेके आई हैं, लेकिन क्या कहानी है, लाइफ एंड ब्रेथ के बारे में ही बता रही हैं। बहुत लोग लाइफ एंड ब्रेथ प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन जो सीरियस सब्जेक्ट क्लास में होता है उससे हटकर अनीता जैन उसी सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से समझाने जा रही हैं। आइए हम सुनते हैं। Hi. The name of my story is Who is the Master? Once I told my heart to go in search for a companion for himself, as I was his master and he my servant. He quickly went without denying and without delaying. After many, many years, he came back. And I felt happy seeing him. So I asked him, "Did you find him?" He said, "Yes, Master." I said, "Then tell me all about him." He said, "Well, first I went to the Creator, and the Creator said, 'Your companion lies in nature.' Then I went to the nature and he said, 'Your companion lies in music.' Then I went to music and the music said, 'It lies in words.' Then to words it said, 'Do you hear me, my friend?' I said, 'Yes.' Then he said, 'Hear me in what I'm heard.' And then, my master, I heard the silence. But it spoke nothing. It uttered nothing. I waited years and years in silence. And finally, it spoke. And it said, 'What you search for, dejected heart, is not to be found anywhere, but within. And all the ones that you met on your way, in your search, are not separate, but they all are one. And in oneness, they are called love. And the house of love is none other but your own self. So, my master, I have found myself. Companion love. After all these years, we have lived together happily. But one question which keep arising in me again and again till date is that ultimately, who is the master? Thank you. Keh doon tumhe, haan, ya chup rahoon, na, dil mein mere aaj kya hai? क्या है? कह दूं तुम्हें या
चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। हाँ, एक भिखारी था, वो भीख मांगता था, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी ट्रेन में, कभी इधर या कभी रोड पर। एक दिन वह ट्रेन में भीख मांग रहा था। उसे ट्रेन में एक सूट बूट पहने हुए आदमी दिखा। उसे लगा कि ये अच्छा पैसे वाला आदमी है, मुझे अच्छी भीख देगा। वो उसके पास गया और बोला, सेठ मुझे कुछ भीख दो। सेठ बोला, क्यों? क्योंकि मैं भिखारी हूँ और मैं भीख मांगता हूँ। सेठ बोला कि मैं उसे ही भीख देता हूँ जो मुझे कुछ देता है। भिखारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं तो भिखारी हूँ सेठ जी, मेरे पास है क्या? सेठ जी बोला, मैं तो उसे ही कुछ देता हूँ जो मुझे कुछ देता है। और वो अपना स्टेशन आने पर उतर गए। अब ये बात भिखारी के दिमाग में घूमती रही कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ। यही सोचते सोचते वो अपने घर पहुँचा। उसके झोपड़ी के आसपास उसने देखा कि बड़े सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भीख के बदले अपनी भूख मिटाने के लिए ये फूल ही दे दूँ। और उसने अगले दिन से लोगों को फूल देना शुरू कर दिया और इसकी वजह से उसे और अच्छी भीख मिलने लग गई। इस तरह से उसे बड़ा मज़ा आने लगा था। लेकिन फिर कुछ और दिन बीते, फिर उसे ट्रेन में वही सेठ जी मिले। इस बार वो बड़ा खुश था और सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। सेठ जी ने कहा, अच्छा? और उसने सुंदर सुंदर फूल निकाल कर सेठ जी को दिए। सेठ जी खुश हो गए, उन्होंने उसे अच्छी भीख दी। लेकिन उतरने से पहले उन्होंने उसे यह भी कह दिया कि अरे वाह, अब तो तुम मेरे शरीर के व्यापारी बन गए हो। और सेठ जी अगले स्टेशन पर उतर गए। अब फिर भिखारी सोच में पड़ गया कि सेठ ने ये क्या कह दिया, क्या मैं व्यापारी हूँ? बड़ी देर तक वो सोचता रहा, अपने आप से पूछता रहा कि मैं तो पहले एक भिखारी था, अब क्या हुआ है ये, और वो विचारों में लगा रहा। कुछ दिन तक वो भिखारी कहीं दिखाई नहीं दिया, ना तो स्टेशन पर ना ट्रेन में। करीब करीब एक साल बाद दो व्यक्ति सूट बूट पहने एक ट्रेन के डब्बे में आमने सामने बैठे थे। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं, मैंने आपको कहीं नहीं देखा। पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं वो ही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख दी थी। मैं पहली बार जब आपसे मिला था तब आपने मुझे भीख देने से इनकार कर दिया था। आपने कहा मैं उसे ही भीख देता हूँ जो मुझे कुछ देगा। फिर दूसरी बार जब हम मिले तब मैंने आपको फूल दिए, तब आपने कहा कि मैं तो आपके समान एक व्यापारी बन गया हूँ। और उसके बाद ही यह जो बात आपने मुझे कही कि मैं एक व्यापारी बन गया हूँ, मेरे दिमाग में घूमती रही, मेरे दिल में घर कर गई। और मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं ज़िंदगी भर भिखारी बना रहूँगा? और फिर मैंने ये फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मैं इस व्यापार के सिलसिले में ही शहर जा रहा हूँ। यह बात मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा कहे गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। मेरा मन यह जान गया कि मैं कौन हूँ और मैं समझ गया कि मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूँ, और वो मैं बन गया। पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का नियम समझाया,
हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं, हमें तभी कुछ मिल सकता है जब हम कुछ देते हैं। और यह लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया सचमुच में बड़ा ही काम करता है। और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं आपके जैसा व्यापारी हूँ, यह एहसास मुझे इतना ऊपर उठा ले गया कि आज मैं एक फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। सेठ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में एक नई राह दिखाई और मैं एक फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। इसी तरह मैं यहाँ अपने कोर्स लाइफ एंड ब्रेथ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसने मुझे नई राह दिखाई और मैं एक अच्छा जीवन शुरू कर सकी। अब चलते हैं 80 के दशक में। शायद वो एक ऐसा दौर था जब गाने 60 और 70 के तुलना में इतने बाहरदार नहीं हुआ करते थे, तो 80 के दशक के बहुत कम गाने हम पेश करने जा रहे हैं। पहला गाना है हमारे लॉयर साहब हैं जगदीप त्रिवेदी जी, और वो दिलबर, कौन सी दिलबर है पता नहीं, जज दिलबर है या उनकी जो सहयोगी लॉयर होंगी, या तो प्रोसिक्यूटर होंगी या डिफेंस लॉयर होंगी, वो दिलबर है पता नहीं। और अगर जगदीप जी आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो शायद दिलबर डिवाइन को कह रहे हैं, उनसे ही सुनते हैं किसको दिलबर कह रहे हैं। उनके बाद आ रही हैं जागृति शाह, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। जागृति शाह की आवाज़ की जादू आप खुद जान जाएंगे, उनके ऊपर किसने जादू चलाया मैं तो नहीं जानता, उन्हीं से सुनते हैं। फिर दो जीनत और दो श्रीदेवियाँ आ रही हैं, ज्योति अरोरा, विदिशा आहूजा, दर्शना चव्हाण और एडवोकेट नीना शेट्टी। इसमें से कौन जीनत है और कौन श्रीदेवी है आप जानिए। डांस पेश करने जा रही हैं, दो गाने हैं इसमें, एक है हवा हवा ही उई 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 उई, और दूसरा है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। सुरेश की तो बात बन गई, विदिशा आ गई उसके जिंदगी में, बाकी का तो मुझे पता नहीं, उनसे ही जान लेते। Thank you.
जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, वो दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे। ओ तूने
मजिया बोले मत मजिया। चलते हैं आपको 90 की दशक में, और कमाल की चीज इस दशक की ऐसी है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दिल्ली की तीन खतरनाक देवियां बोल रही हैं, मैं छोड़ाई घर बार मेरा मकड़ा वे मकड़ा। कौन है ये तीन देवियां? रंजना पांडे, श्वेता पांडे और अंजना रुंथाला। अच्छा, घर बार तो छोड़ाई, कहां गई? रायबरेली में गई, और रायबरेली में झुमका गिरा इनका, तो पूछ रही हैं व्हाट झुमका, लो सुन लो। उनके बाद आ रही हैं तृप्ति नाखरे, जो अपने खुद का एक्सपीरियंस इस गाने में बयां करने जा रही हैं। उनके घर के बाहर एक खिड़की है, उनके घर की जो खिड़की है उसके बाहर कौवे आते हैं, और वो कौओं को दाना पानी खिलाते रहती हैं। तो शायद इसी से इंस्पायर होके उन्होंने ये गाना चुन लिया है
माइनी माई मुंडे रपे तेरी, बोल रहा है कागा। कागा उनसे क्या बात करता है खुद बताएंगी। उनके बाद सोबो क्वींस आ रही हैं, वैशाली कड़ाकिया, हिमाली तलसानिया और रूपा जानी, और हमारे सामने एक बेहतरीन ग्रुप डांस पेश करने जा रही हैं। दो गाने हैं, जिया जले जा जले और कभी नीम नीम। तो आइए ये तीनों आइटम का रस हम एंजॉय करते हैं। अनिल पाड़िया जी के साथ शुरुआत होती है। दो दिल मिल रहे हैं, अनिल पाड़िया मंझे हुए कलाकार हैं, बिंबो धमाका में हमेशा उनका साथ रहा है। चलिए सुनते हैं। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल मैं जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समान।
दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी, देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, चुपके चुपके। Oh,
जोगी के संग मेरी तू कर दे अब गुड बाय। इन हाथों में लगा दे मेहंदी, इन हाथों में लगा दे मेहंदी, बांध शगुन का धागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी सिंह लागा। माइन माइन मेरे पिटेरी भूल रहा है धागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी सिंह लागा। कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। लच्छा से मरे रे जिया पिया, लच्छा से मरे रे जिया पिया रे, लच्छा से मरे रे जिया। हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम 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 हुम। जिया चले जा चले, जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले। पुंजिर दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो, मंजड़ी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक तगदी मियाडुं तंग निलावे। पुंजिर दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो, मंजड़ी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक तगदी मियाडुं तंग निलावे। ये ले चलते हैं आपको 2000 के दशक में, और शुरुआत में एक बेहतरीन अदाकारा है, क्वालिफाइड अदाकारा है, ऋषिका गंगवानी, और वो पेश करने जा रही है एक क्लासिक नृत्य। कथक की कलाकारा है, और इसके बारे में मैं कुछ बोलूं उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप खुद उसका अनुभव लें। उनके बाद है निवेदिता तिजोरीवाला का नंबर, गुजराती गाना है छेला रे।
मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। उनके बाद आ रही हैं एडवोकेट नीना शेट्टी। ये सब क्वालिफाइड लोग आजकल जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हैं, कोर्ट रूम में बहस करके दिमाग का दही बन जाता है, तो उस दिमाग को सुकून या आराम पहुंचाने के लिए घोड़े पे सवार होके गुली माता का ध्यान लगाते हुए एडवोकेट नीना शेट्टी आपका मनोरंजन करने आ रही है। छोटा तीर जो सके कमान से जा लागे जित लगना, चोरी लिखी है भाग में तेरे तो क्या सोना क्या जगना। हो सावा ते सुहा रंग सबके नसीब दा, सावात सुहा रंग नसीब दा, खेले दुख सुख आँख मिचोली। हो खेले सुख दुख आँख मिचोली, जी में तू जा में तू मेरे सारे जहां में तू, जी में तू जा में तू मेरे सारे जहां में तू। ओ सावत सुहा रंग सबके नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में चोरी, मेरा मुर्शिद खेले हो खेले होरी, यारा रंग है उसका न्यारा मेरा मुर्शिद खेले होरी, प्याला छिड़के अपने करम का, प्याला छिड़के अपने करम का, रंग दे सब संसारा मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने कर्म का, प्याला छिड़के अपने कर्म का, रंग दे सब संसारा हो इश्क दा। Yeah.
नाव फॉर अ मराठी धमाका. पिंगा घालायला पोरी आल्या आहेत. कोण आहेत? डॉक्टर वृंदा पाटील, डॉक्टर प्रिया शर्मा, दर्शना चव्हाण, तृप्ती नाखरे, ज्योती अरोडा आणि ॲडव्होकेट नीना शेट्टी. घाला पिंगा. अँड देन सुनील गुप्ता फ्रॉम कॅलकटा. ॲक्च्युली इज अ रांची गाय, बट ही अटेंडेड द लाईफ अँड ब्रेथ कॅम्प इन कॅलकटा. And he comes with his soulful rendition of Zindagi Gale Lagale. He will mesmerize you. I have no doubts about that. When it is 2024 and nobody talks about Ram, ye to hoga hi nahi. Rekha Sangani is wishing that all mothers have a son who has some qualities of Ram. Let us hear her in her beautiful poem. Pingaga pori pingaga pori pingaga pori pinga mala pingyani mala bolavili rat khalavili pori pinga. अमर दामिनी अधर रागिनी हो लटपट लटपट अमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बांवरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बाबरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद के बाजे धुन झम झम झमाते जाओ तो नाचे मन झम झम झमाते जाओ के बाजे धुन झम झम झमाते जाओ तो नाचे मन झम
सामने मैं स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ, तुम भी राम बनो, तुम भी राम बनो। कलयुग की जरूरत हो तुम, समाज की छवि के तारणहार, अब तुम भी तो राम बनो। चाहिए एक प्राता हर पल साथ रहे, लक्ष्मण तो कई मिल जाएंगे, अब तुम भी तो राम बनो। चाहिए एक बेटा हर कहे शब्द का पालन करे, पर तुम भी तो राम बनो। चाहिए एक वंश धारक वचन का हो पर्याय और सम्मान करे जो, अब तुम भी तो राम बनो। मिले सेवक हनुमान सा कभी कहीं पीछे ना हटे, अब तुम भी तो राम बनो। पत्नी सीता हर मोड़ पर बनी अर्धांगिनी, पर तुम भी तो राम बनो। लवकुश वंश संभाले निडरता जिसकी शान हो, पर तुम भी तो राम बनो। युग युगांतर कीर्ति फैले तुमसी हो हर संतान, पर तुम भी तो राम बनो। भारतवर्ष का मान बनो तुम और परिवार की शान,
अब तुम भी तो राम बनो, अब तुम भी तो राम बनो। शुक्रिया। लाइफ एंड ब्रेथ एडवोकेट्स इंडियाज फिलोसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। जिंदगी मिलके बिताएंगे, कैन देर बी अ बेटर सॉन्ग देन दिस टू एंड दिस ईयर्स बिम्बो धमाका। ऑल द सिंगर्स जॉइन टुगेदर इन गिविंग यू दिस ग्रैंड फिनाले ऑफ सीजन 4, आफ्टर विच वी विल क्लोज द प्रोग्राम विद द क्लोजिंग प्रेयर विच इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रतिबिंब। एनी प्रोग्राम बिगिन्स विद अ प्रेयर एंड एंड्स विद अ प्रेयर। एंड अलाउ मी टू साइन ऑफ टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट ईयर विद द न्यू एडिशन ऑफ बिम्ब ओ धमाका। सी यू, शब्बा खैर, एडियोस और अव्वार, फिर मिलेंगे। मिलके बिताएंगे हाल दिल का के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे हाल दिल का के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नग में हमसे जवान, धूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ, अजूबे हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नग में हमसे जवान, धूमे आसमां, दुनिया के साथ अजूबे हमसे है जहां। धुआ 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 है, जिंदगी मिलके बिताएंगे हाल दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियां बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहे, फिर क्यों आंसू बहे, हर बन के सहारा एक दूसरे का यूं ही चलते रहे। खुशियां बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहे, फिर क्यों आंसू बहे, बन के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। दुआ 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 है, जिंदगी मिलके बिताएंगे हाल दिल गाके सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बना।
मिलके जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गाके सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। We give thanks. We give thanks.